We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. The answer to our second question. दोस्तों, मुसलमानों द्वारा भारत में बढ़ती कट्टरता के आरएसएस के दावों को खारिज करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि भगवा समूह की विचारधारा कायरता और झूठ पर आधारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी मिशनरी यानी मुसलमानों द्वारा में प्रवेश करने के लिए कोई विस्तृत योजना नहीं है और मुसलमानों को सरकारी पदों पर बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उनकी टिप्पणी एक रिपोर्ट के जवाब में थी, जिसमें कहा गया था कि आरएसएस संविधान के नाम पर पीएफआई की बढ़ती कट्टरता की चिंतित था। आरएसएस की विचार धारा कायरता और झूठ पर आधारित है। इसकी एक चरमपंथी विचारधारा है जो एक लोकतांत्रिक राज्य चाहती है, लेकिन एक सांस्कृतिक संगठन होने का दिखावा करती है। सरकारी मिशनरी में प्रवेश करने के लिए कोई विस्तृत योजना नहीं है। सरकारी पदों पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, ओवैसी ने ट्वीट किया। हैदराबाद के सांसद ने अक्सर मुस्लिम लिंचिंग को कम करने, नफरत फैलाने और हिंदू राष्ट्र का आह्वान करने के लिए आरएसएस की आलोचना की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आरएसएस की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता की चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया है कि एक विशेष समुदाय द्वारा सरकारी मिशनरी में प्रवेश करने के लिए विस्तृत योजनाएं और इन प्रयासों को हराने के लिए संगठित ताकत के साथ सभी प्रयासों का आह्वान किया। ये रिपोर्ट अहमदाबाद में आरएसएस की वार्षिक बैठक में रखी गई थी। केरल कर्नाटक में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की क्रूर हत्याएं इस खतरे का एक उदाहरण है। सांप्रदायिक उन्माद, रैलियों, प्रदर्शनों, सामाजिक अनुशासन के उल्लंघन, रीति रिवाजों और परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में नृशंस कृत्यों की श्रृंखला, संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामूली कारणों से हिंसा भड़काने, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने आदि में वृद्धि हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि विश्वविद्यालय परिसरों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर आरएसएस के भीतर चिंता बढ़ रही है। ये आरोप उद्दीपी में हिजाब पहने छात्राओं और कॉलेज अधिकारियों के बीच चल रहे टकराव के बीच आए हैं, जिन्होंने उन्हें कक्षाओं में पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे भारत में विरोध प्रदर्शनों के साथ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी छात्रों को धर्म की परवाह किए बिना अगले आदेश तक कक्षाओं के भीतर हिजाब, भगवा शॉल, झंडे नहीं पहनने का आदेश दिया है। हिजाब के समर्थन और विरोध के बीच वी आर ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट वेयरिंग ऑफ हिजाब बाय मुस्लिम वुमेन डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। द आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन इज we are of the considered opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object to. The answer to third question is in view of above we are of the considered opinion that the government has power to issue the impugned government order dated 5/2/2022 and no case is made out for its invalidation. The answer to fourth question is we are of the considered opinion that no case is made out in writ petition number 2146/2022 for issuance of a direction for initiating disciplinary inquiry against respondent 6/14, the prayer for issuance of writ of quo warranto against respondent number 15 and 16 is rejected being not maintainable. Accordingly, in the above circumstances, all these writ petitions being devoid of merits are liable to be and accordingly are dismissed. In view of dismissal of these writ petitions, all the pending applications fail into significance and are accordingly disposed of.
कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं, जिसमें हिंदू छात्र भगवा शॉल पहने हुए हैं। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी एमआरएम ने शनिवार को अल्पसंख्यक समुदाय से रूढ़िवादी सोच के ऊपर उठने और प्रगतिशील विचारों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की तुलना में शिक्षा इसकी प्रगति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। संगठन ने कहा कि भारत में मुसलमानों में निरक्षरता की दर सबसे अधिक 43% है, लेकिन समुदाय में बेरोजगारी की दर भी बहुत अधिक है। विरोध के बीच कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी छात्रों को भगवा शॉल यानी भगवा स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे या कक्षा के भीतर सरकारी कॉलेजों में निर्धारित ड्रेस कोड के साथ पहनने से रोक दिया है और केंद्र ने स्पष्ट किया है कि भारत में हिजाब प्रतिबंध है। इस खबर में सिर्फ इतना ही, बाकी ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहिए MIM News Express के साथ।